सुबह सुबह हम श्री गणेश जी का स्मरण करते हुए मेरा ये कहना है कि आप हमें किसी भी चीज की, अब जब भूम से पालकी निकलती है, चलते हुए निकलते हैं, छोटे छोटे बच्चे उनके साथ से निकल कर आते, अगर ऐसी वर्षा हो गई तो समस्या कितनी बढ़ जाएगी, और किसी को बुखार आना, सर्दी होना, सारी चीजें होंगी। वैसे ही कहाँ कहाँ से उड़ीसा से हो, कहीं से जहाँ कहीं भी आए, उनको कोई दिक्कत हुई, किसी को किसी तरह की कमी पड़ी, तो मैं हर दिन जब से पालकी थी उस दिन से एक विशिष्ट आराधना करते रहता हूँ ताकि किसको नहीं मिले। आज प्रभु जी सत्यदेव जी की कृपा से गर्व के साथ कहता हूँ कि भूम से पालकी निकलते हुए आज 18 साल हो गए, और छोटे बच्चे छोटे बच्चों को लेकर चलते हुए निकलते हैं, लेकिन किसी को कुछ ऐसा हादसा नहीं हुआ कि हम चिंता बहुत करें इसके पीछे क्या कारण है और किस लिए हम ऐसा करते हैं, ऐसा करने से क्या। जिस दिन पालकी निकलने की कोई भी आप मुझे सूचित कर देते कि गुरु हम निकल रहे हैं वहां से, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि आप सुरक्षा कर या सुरक्षा के साथ यहाँ तक पहुंचे, तो मुझे क्या करना पड़ता है। हर क्षण ये चिंता में रहता हूँ कि वहां से निकले हैं, इनका भोजन हुआ या नहीं हुआ, इनको फलाहार मिला नहीं मिला, किसी को बुखार आया। कभी कभी हमारे 450 किलोमीटर से 800 किलोमीटर से आने वाले तो बोलेंगे, कभी बोलेंगे किसी को बुखार आया है, किसी को सिर्फ फोन आता है, और फिर सुबह तक आ जाता है कि गुरु जी बुखार ठीक हो गए, क्या कारण होगा इसके पीछे। तो ये जो ये विद्या तो आप भी सीख लीजिएगी, इस विद्या के पीछे आपको भी ज्ञान होना चाहिए कि आप जब निकलते हैं हमारे हर रोज हम आधा जीते हैं आधा मरते हैं। किस तरह बच्चे स्कूल गई तो आए तक विचार करते हैं बच्चा ठीक होके आएगा, बच्चे गांव को गई तो ठीक होके आएगा, और बच्चा पढ़ रही है तो कल क्या होगा, बच्ची बड़ी हो गई तो इसका काम होगा तो अच्छा होगा या नहीं होगा, ये हमारी सारी चिंताएं पड़ी हुई हमारे पीछे, एक के पीछे ऐसी चिंता पड़ी हुई कल क्या होगा, कल क्या होगा, और इस चिंता के कारण हम आधा तो इसी में बदल जाते हैं। क्यों क्यों हमें कोई ऐसा कहने वाला नहीं है कि मैं हूँ तुम्हें देखता हूँ, ये कम होता है जो अपने को योग गुरु अपने साथ है और अपन गुरु पर विश्वास करते हैं। आप जब भी वहां से निकलते हैं मैं प्रभु सत्यदेव जी के चरण में प्रार्थना करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु ये जो निकल रहे हैं यहाँ किसी से ना कहने लग गया कष्ट दूर पहुंच जाए, अच्छी तरह पहुंच जाए, इनको कोई दिक्कत ना आए और वो बड़ा पहुंच जाए, और गुरु कृपा से ऐसा होता ही। यह विद्या यह सारी चीजें जो हम सोचते हैं कि ऐसा होना ही चाहिए, इसके पीछे क्या कारण है। मैंने भी एक बार गुरु से पूछा था, प्रभु ये हर बार हर एक कुछ चिंता रहते, बेटा बड़ा हो रहा है, फिर छोटा सा भी मार लग गया, कुछ भी छोटा सा एक्सीडेंट हो गया तो हम पहले से ये सोचते हैं अरे कुछ क्या हुआ क्या हुआ, बच्चे को नौकरी नहीं मिली तो परेशानी, नौकरी मिले तो बात परेशान करता है वो परेशानी, फिर नौकरी निकाल लेंगे ये परेशानी, नौकरी निकाल लिए तो कैसा, फिर गुरु जी तनखा नहीं आ रही, फिर नौकरी मिली समस्या कर रहे तो प्रमोशन नहीं आया गुरु जी बहुत दिन हो गया, अरे नौकरी मिलना परेशानी, नौकरी के बाद भी परेशानी है, बिजनेस मिला परेशानी, बिजनेस नहीं चला परेशानी, बिजनेस चला परेशानी, बिजनेस चल रहा है गुरु जी लेकिन हम इसको दूसरा और एक ब्रांच बनाना चाहता हूँ, अरे एक ब्रांच है अच्छा छुट्टी के साथ में नहीं रहेगा, और फिर गुरु जी को टेंशन देना शुरू कर देगा कि और एक ब्रांच निकालना, ये यानी कभी हम छुट्टी के साथ जिएगी कहा हमारे पीछे, अब दूसरा ब्रांच निकाले तीसरा ब्रांच निकाले और उसमें अगर कुछ दिक्कत आ गई नहीं अच्छा पहला ब्रांच चल रहा था नहीं वो नहीं करेगा, नौकरी चल रही है बच्चे को नौकरी आएगी नहीं, दूसरे दिन फोन आएगा गुरु जी उसका भाष बहुत सता रहा है, अब गुरु जी क्या करे नौकरी लगा है भाष सता रहा है तो गुरु जी कोई बड़ी यानी हम जिंदगी में कभी तृप्ति के साथ जीते हैं और हम ये तृप्ति नहीं रखते कि गुरु जी अब हम संभाल लेंगे, आपको हमने पूछा था अब आगे का कार्य हमें है हम देखना है हम देख लेंगे, ऐसा हम तृप्ति में कभी नहीं करेंगे, हम टेंशन में रहेंगे और उल्टा गुरु जी को टेंशन कैसा देना ये सोचेंगे, बराबर सोचेंगे फिर नहीं सोचेंगे, अभी कार्य हमारा हम गुरु देव करते हैं हम तो आपको टेंशन देना ही देना जरूर देंगे, बच्ची पढ़ी नहीं परेशानी, बच्ची पढ़ी तो गुरु जी नौकरी नहीं मिले पड़ी, नौकरी नहीं मिले तो शादी नहीं हुई परेशानी, शादी होगी तो बच्चे नहीं हुए परेशानी, शादी होगी तो उसका मर्द माना ये परेशानी, इस परेशानी को यूँ ही लेकर चलते हैं। मैं कहता हूँ कि तुम्हारी तरह मैं भी वही व्यक्ति हूँ, उसी गुरु का मतलब करता हूँ, उसी गुरु को लेकर चलता हूँ,
और इतने आप सभी लोगों को सामने लेकर बैठा हूँ तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण मेरे पीछे भी होगा, मेरे पीछे भी ऐसा कोई कारण होगा जिसके कारण मैं आपको इतनी निश्चिंतता के साथ देखता हूँ। मेरे बच्चे हैं, मुझे भी बोले बोलियाँ हैं, मुझे भी भाई हेलो 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 इस बात की चिंता हुई कि आगे क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या, ये हर एक मेरी नौकरी का क्या होगा, मैं कैसे जी सकूंगा, नौकरी चले गई तो क्या, इस प्रकार के साथ इस प्रकार की चिंता होती है। तो ऐसी चिंता अपने को ही नहीं, भगवान के जमाने से हेलो जब श्री कृष्ण भगवान बचपन में जहाँ मिल जाते थे उन्होंने बहुत सारे असुरों को मारा, कभी किसी को मोक्ष दे दिया, कभी काली की नदी में गए तो उनको काले सांप ने पकड़ लिया, उसको मारने के लिए तो माता पिता भागते हुए आए, अरे मेरा कृष्ण चाहूँ मैं कहीं काली नदी में तो सबको मारा, उनको भी चिंता, ये चिंता ऐसी हो गई कि काली नदी में जब किसी का कृष्ण डूब गए या हेलो आप अगर पूरे राधा चैतन्य में देखते हैं तो राधा जी ने केवल कृष्ण की स्तुति की या गणेश जी की, बाकी किसी की राधा की स्तुति नहीं। और कभी भी कृष्ण जब युद्ध को जाते हैं, कृष्ण जब युद्ध को जाते या कहीं जाते थे तो अपने सामने उस गणेश जी की मूर्ति और उस मंत्र को लेकर बैठे थे कि मेरे श्री कृष्ण को कृष्ण हो उस गुरु पाया है। पूरे उन राधा के चरित्र में कहीं देखो राधा ने किसी की स्तुति नहीं की, केवल कृष्ण और केवल गणेश जी की। एक बात उनको कल आने वाली परेशानी कभी उनके जीवन में नहीं होगी, ना बेटों के बारे में चिंता होगी, ना अपने बिजनेस के बारे में चिंता होगी, ना नौकरी के बारे में चिंता होगी, कल क्या होगा। तुम्हारे हर प्रतिकूलता को अनुकूलता बना अनुकूलता में बदलने वाली शक्ति है, उसे घेरे मगन नहीं डाले हैं। जो माता स्वयं श्री कृष्ण के घर वाले भी पूजा करते थे उसे भी नहीं। आपको पता है एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने घर में थे तो उन्होंने उग्रसेन महाराज को कहा था कि उन्हें बहुत सूर्य की उपासना करने से उन्होंने भगवान सूर्य प्रत्यक्ष होने को समय तक नहीं प्रदान किया।